इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ लोग डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के रहते हैं, मतलब लोगों के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको लोग चाहिए, बार 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 लोग चाहिए उनका जीवन जीने के लिए। अकेले उनके लिए असंभव है जीना, और फिर उनको कुछ ना कुछ फिर बाद में मानसिक बीमारी तैयार हो जाती है। तो इनके क्या लक्षण हैं, तो उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि 5 में से यदि 8 लक्षण यदि उनमें हैं तो वो समझ जाना कि वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो ये कौन से 8 लक्षण हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कि कोई भी निर्णय लेने के लिए ये लोग लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं और लोगों की सलाह लेते बार 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 बार, और लोगों से आश्वासन लेते कि ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बराबर है क्या, आपको क्या लगता है, तो ये निर्णय खुद नहीं लेंगे। ये लोगों के ऊपर कोई भी निर्णय के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं और लोगों को बार 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 पूछेंगे। नंबर 2, लोगों ने जवाबदारी लेना चाहिए इनकी ज़िंदगी की, इनके काम की, इनके रिजल्ट्स की, ऐसा उनको बार बार लगते रहता है कि लोगों ने जवाबदारी लेना चाहिए। मैं कुछ कमज़ोर हूँ और लोग जवाबदारी लेंगे तो ही मैं काम कर सकता हूँ, ऐसा उनको लगता है। फिर 3, ये लोग लोगों को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि समझो लोगों को ना बोले तो इनको मदद नहीं मिलेगी या लोगों का अनुमोदन नहीं मिलेगा, लोगों का प्यार नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो लोगों को ना नहीं बोल सकते। बहुत नाइस रहते लोगों के साथ में, बहुत ही अच्छे तरह से व्यवहार करते, बहुत ही नाइस गुड़ी गुड़ी रहते हैं। 4, खुद के बलबूते के ऊपर ये कोई भी काम की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि उनको आत्मविश्वास कम रहता है, तो वो किसने बोलने के सिवाय वो खुद के बलबूते पर काम की शुरुआत नहीं करेंगे और हरदम सपोर्ट मांगते जाएंगे लोगों को, तो ये काम की शुरुआत नहीं करेंगे और काम शुरू रखने के लिए भी लोगों का सपोर्ट वो मांगते जाएंगे। लोगों की मदद मिलना चाहिए, लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए लोगों के लिए वो कुछ भी करने को, कुछ भी हद तक काम करने को तैयार रहते हैं कि लोगों ने इनको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी हद तक, कोई भी लिमिट तक ये काम करेंगे। फिर 6, अकेलापन में उनको बहुत ही असहाय लगता है, बेचैन लगता है, वो बहुत असहाय और बेचैन महसूस करते हैं जब वो अकेला रहते, क्योंकि उनको अकेलापन में उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं खुद की देखभाल नहीं कर सकूँगा, या खुद के ऊपर मैं मतलब केयर नहीं कर सकूँगा, या खुद के ऊपर बराबर ख्याल नहीं कर सकूँगा, इसलिए वो अकेला रहना पसंद नहीं करते, कोई ना कोई उनको साथ में होना जरूरी है। 7, कोई नज़दीकी रिश्ता इनका टूट गया, डेथ के कारण या झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, तभी दूसरा रिश्ता तुरंत जोड़ लेंगे वो, और उसके लिए वो मजबूर हो जाते हैं, तुरंत दूसरा रिश्ता कर लेंगे वो, अर्जेंटली कर लेंगे। 8, उनको ऐसा हरदम डर लगे रहता है कि लोग उनको छोड़ देंगे, और वो छोड़ देंगे तो ये अकेले खुद की देखभाल नहीं कर सके, उनको हरदम ऐसा डर लगे रहता है। तो ये 8 में से यदि 5 लक्षण यदि है तो हम ये बोलते हैं कि भाई डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उनको है। ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये व्यक्तिमत्व का दोष है, ये एक प्रकार की बीमारी हो सकती है। लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको बार बार लोग लगते हैं, इनका प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कोई भी काम की शुरुआत नहीं कर सकते, डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनका इलाज यदि कर लिया, और इनका इलाज कोई दवा का नहीं है, इनको मेनली साइकोथेरेपी मतलब मानसोपचार, सम्मोहन उपचार, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, इससे इनका इलाज हो जाता है। और वो यदि इनके इसमें अपन ये भावना जागृत की है कि देखो तुमको ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है तो आप उसका खुद का इलाज कर सकते हो, अच्छे हो सकते हो, और आपका जीवन आप इंडिपेंडेंटली जी सकते हो, तो ये लोग इलाज करके साइकोथेरेपी लेके उनका जीवन अच्छा जी सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ लोग आते हैं तो रिश्तेदारों के साथ में हमारे यहाँ लोग रहते हैं, रिश्तेदारों के अलावा लोग रहते हैं, और अच्छे करके हमारे यहाँ से लोग लेके जाते हैं, अकेले भी आते रहते हैं, फ़ोन से काउंसलिंग करते रहते हैं। हमारे नीचे नंबर दिए, आप कभी भी हमको कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग भी कर सकते हैं, साइकोथेरेपी कर सकते हैं फ़ोन से, और अपना जीवन अच्छा खुशहाल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।